फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी सर्दी या गर्मी का मौसम आता है तो हमें अपने कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखने पड़ते हैं, और कई बार तो हम भूल भी जाते हैं कि हमने अपने सर्दी या गर्मी के कपड़े कहाँ रखे हैं। और अगर हम इन्हें डायरेक्ट बॉक्स बेड में रखते हैं तो वहाँ भी हमें ये डर रहता है कि हमारे कपड़े खराब ना हो जाए। तो इसलिए मैंने क्लॉथ्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए अमेजोन से जिप बैग मंगवाए हैं। तो ये है हमारे जिप बैग, ये इस प्रकार की पैकिंग में आए हुए हैं। तो चलिए अब हम इसे ओपन करते हैं। ये तो बहुत ही अच्छे हैं। मैंने ओपन करती हूँ। इनकी जिप भी बहुत अच्छी है। ये नायलन के बैग हैं, काफी अच्छे, काफी स्पेशियस हैं। ये देखिए आप, इसमें आपका बहुत सारा सामान आ जाएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे हैं। मैंने ये चार बैग लिए। ये बैग चार मेरे को 1100 रुपए के पड़े हैं, और अगर आप एक बैग की बात करें तो वो 275 के करीब पड़ा है, जो कि बहुत ही रीजनेबल रेट है। और मुझे तो ये क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी लगी। मैं तो आपको भी ये रिकमेंड करूंगी कि आप ये बैग ज़रूर खरीदिए, और इससे आपको काफ़ी सारे कपड़े रखने की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। देखिए, मैंने अपनी ये स्वेटर्स और दूसरे वूलन क्लॉथ्स जो हैं अपने बॉक्स बेड में ऐसे रखे हुए थे, तो मुझे हमेशा ये डर रहता था कि मेरे कपड़े ख़राब ना हो जाएं। तो चलिए अब जो मैंने बैग्स लाए हुए हैं, हम उनमें इन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे लगते हैं। आपको देखने में ये काफ़ी स्पेशियस लग रहा होगा। मैं अपने विंटर के सारे कार्डिगन्स इसमें रख रही हूँ, और ये मैं अपने कपड़ों में ओडोनिल डाल रही हूँ। ओडोनिल डालने से हमारे कपड़े जो हैं बिल्कुल ठीक रहते हैं, और जब भी हम इन्हें यूज़ करेंगे तो इनसे हमें एक बहुत ही अच्छी सी बीनी बीनी सी खुशबू आएगी। ये देखिए, मेरी सारी स्वेटर्स इसमें फिट आ रही हैं। ये देखिए, मेरे सारे कपड़े इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुके हैं और काफ़ी देखने में अच्छे लग रहे हैं। अभी भी इसमें काफ़ी स्पेस है, काफ़ी कपड़े इसमें अभी और भी आ सकते हैं। और अब हम इसे जिप लगा के बंद कर देते हैं। ये देखिए, मैंने इस पे ये लेबल भी लगा दिया हुआ है, जिससे कि जब भी मैंने अपने कपड़े ढूंढने हों तो मुझे बहुत आराम से अच्छे से अपने कपड़े मिल जाएंगे। और अगर आपको ये बैग पसंद आए हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप ही इसे अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। आप अपने वूलन क्लॉथ्स के अलावा इसमें अपनी साड़ीज, अपनी ब्लैंकेट्स, या आपकी जो घर में एक्स्ट्रा बेडशीट्स होती हैं आप उन्हें भी इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये आपके काफ़ी काम आएंगे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो।